तो चलिए दोस्तों, आज 20 तारीख है और 20 सितंबर का डेली क्विज का आंसर हम देते हैं। और आप भी सभी आंसर सही देकर 1000 पॉइंट जीतिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुर्मा अवतार। सही उत्तर आपका, क्या बात है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मशहूर अभिनेता व नाटककार कौन है जो पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के निदेशक थे। तो दोस्तों, ये हैं गिरीश कर्नाड। तो इसका सही आंसर होगा बी, गिरीश कर्नाड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र पांडुरंग जो 1857 के विद्रोह में लड़े थे, हम उन्हें किस नाम से बेहतर जानते हैं? तो दोस्तों, इनको हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। सही उत्तर आपका, क्या बात है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस प्रसिद्ध भारतीय स्मारक को पहचानिए जो एक रानी की याद में बनवाया गया था। तो दोस्तों, ये ताजमहल तो नहीं लग रहा है, ये बीबी का मकबरा लग रहा है। इसका सही आंसर बी होगा। सही उत्तर आपका, क्या बात है। मुंबई के शिवाजी पार्क में कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब, जहां सचिन तेंदुलकर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, स्थापना किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ने की थी? तो ये है दोस्तों रमाकांत आचरेकर। ये सही आंसर होगा। सही उत्तर आपका, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस नृत्य को पहचानिए। तो ये नृत्य तो 100% गरबा लग रहा है दोस्तों, तो इसका भी आंसर ए होगा, गरबा। अगला क्वेश्चन है, किस अग्रणी व्यवसायी ने अपनी कंपनी से उनकी कुल कमाई का 67% सामाजिक कार्यों में दान देने का प्रण किया? तो ये अजीम प्रेम जी हैं। सही उत्तर आपका, क्या बात है। दोस्तों, ध्वज को देखकर इस प्रसिद्ध क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्र को पहचानिए। तो दोस्तों, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, ये न्यूजीलैंड का ध्वज है। इसका सही आंसर सी होगा। सही उत्तर आपका, क्या बात है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना कौन सा है जिसमें मक्का की यात्रा की जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जू अल हजा, जो सी आंसर इसका सही होगा। सही उत्तर आपका, क्या बात है। दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित इस निर्देशक ने इनमें से किस मशहूर फिल्म का निर्देशन किया है? तो इन्होंने सैराट फिल्म का निर्देशन किया था। डी होगा आंसर। तो इस तरह से आप भी सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।